कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट मिला है, घर के बाहर नहीं निकल रहा। चलो जल्दी, घर के बाहर कोई भी नहीं निकलेगा। हाँ जी, अली फंक्शन हॉल के जो वॉचमैन है, ये हजरत पॉजिटिव निकले, उनके लिए उनकी जितनी फैमिली है, उनकी 14 लोग है उनके फैमिली में, वो 14 लोगों को पूरा अभी क्वारंटाइन किए हैं, अभी पूरों को साथ में लेके गए, और ये सबको खिलियारक पे एक क्वारंटाइन हॉल बना है, इंशाल्लाह इन सबको वहाँ ले जाके कल इनका पूरा चेकअप कराएंगे, और ये एरिया पूरा लॉक कर दिए। अभी तक दो गलियाँ, एक बाजीपुरा गली नंबर 3 और एक निजामिया कॉलोनी गली नंबर, ये जैसा उनके रिश्तेदार यहाँ पर थे। हाँ, उनका बच्चा यहाँ रहता था गली में, उनके बच्चे को भी ले गए, उनके फैमिली को, पूरे बच्चों को, टोटल 14 लोग उनके फैमिली में है। टोटल 14 लोग है क्या? 14 लोग है टोटल। ये एरिया की है कि बाजीपुरे की? बाजीपुरे के है, उसमें 7 और बाकी के यहाँ जी। हाँ, एक पॉजिटिव पेशेंट उनके हजर। आप क्या आह्वान करना चाहेंगे पब्लिक से? आह्वान करना चाहेंगे कि यहाँ ये जितना भी लॉक किए गली, मेहरबानी करके यहाँ कोई भी घर से बाहर ना निकले, इनको जो भी चीज़ की जो भी जरूरत रहेंगी इंशाल्लाह हम उनको पूरा करेंगे। आपका नाम? रफीक अहमद खान, सोशल वर्कर, बारी कॉलेज। अजीज तरीन साथियों, बड़े दुख की बात है कि हमारी बस्ती में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की प्राप्ति हुई है। आप सभी से गुजारिश है, अल्लाह का वास्ता है कि आप लोग जो है तो घरों से बाहर ना निकले, और बुजुर्ग लोगों को जो है तो खास तौर से घरों से बाहर निकलने का निकलने ना दीजिए। अपने बच्चों की एहतियात करें, और जो है तो पूरी पूरी सतर्कता बरते, बार बार हाथ धोए हैं, और जो है तो किसी के संपर्क में ना आए। अल्लाह के वास्ते में जो है तो आप घरों से ना निकले वाजी, ये ऐसी बीमारी है कि अल्लाहु अकबर, हम सबको जो है तो इससे जो है तो अल्लाह से निजात दिलाए। बाजी बहनों और भाइयों दोस्तों, अल्लाह के वास्ते घरों से ना निकले, और दुआएं करें, तरावी में दुआएं करें, घर में नमाजों का इत्माम करें, और अल्लाह से दुआ करें कि ये बीमारी को जो है तो अल्लाह जल्द से जल्द जो है तो खत्म करे। अब बहनों और भाइयों, हम सब आपके लिए, प्रशासन आपके लिए खड़ा हुआ है, सतर्क है, पुलिस डिपार्टमेंट आपके लिए खड़ा है मदद के लिए, आरोग्य विभाग आपकी मदद के लिए खड़ा है। बस अल्लाह के वास्ते आप घरों में रहिए, अल्लाह के वास्ते हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि अल्लाह के वास्ते में घरों में रहिए, घर के बाहर ना निकले, और जो है तो एहतियात बरते। और वही बच्चों की वजह से जो है तो पूरे फैमिली के अंदर कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है, तो बच्चों को बाहर ना निकलने दे अल्लाह के वास्ते। अल्लाह के वास्ते में दुआ करो।